वो टीम बिल्डिंग के पर्पस क्या होता है, तो ये हमने डिस्कस किया। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये कुछ रोल एनालिसिस एक्टिविटी है, यानी अगर आप कोई टीम बिल्डिंग की एक्टिविटी करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है ये कुछ एक्टिविटीज हम बताइए। जैसे कि एक्टिविटी नंबर 1 है कि सिलेक्ट ग्रुप लीडर, तो ग्रुप लीडर को वो कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो ये रोल एनालिसिस टेक्निक है कि आपने सबसे पहले जो है जो भी आपके ग्रुप के लोग हैं उन ग्रुप के लोग में सबसे पहले जो है वो आपने अपने ग्रुप के लीडर को सिलेक्ट करना होता है। तो वो ग्रुप का लीडर जो है वो कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, तो उसके लिए सबसे पहले जो है पहली एक्टिविटी किसी भी ग्रुप के अंदर या रोल एनालिसिस टेक्निक के अंदर वो है ग्रुप का जो लीडर है उसे सिलेक्ट करना। अच्छा, उसका तरीकाकार क्या होगा, कैसे सिलेक्ट करेंगे आप सब लोग म्यूचुअली जो है जो भी ग्रुप के मेंबर होंगे वो सब मिलकर उस ग्रुप के लीडर को म्यूचुअल कंसेंसस के साथ जो है वो उसे सिलेक्ट करेंगे। तो म्यूचुअल कंसेंसस के साथ जो जो ग्रुप है उसे सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेज की तरफ बढ़ जाएंगे जो कि एक्टिविटी नंबर 2 होगी। तो सबसे पहले रोल एनालिसिस टेक्निक में सबसे पहला काम जो है वो ग्रुप के लीडर को सिलेक्ट करना है। जब आपके ग्रुप का लीडर सिलेक्ट हो जाए तो फर्दर और दूसरे कामों की तरफ जो है हम जा सकते हैं। तो पहला ग्रुप का लीडर है। नंबर 2 जो है वो है ग्रुप इज ऑपरेटिंग इज एन ऑप्टिमल इफेक्टिव वे व्हाट वुड बी द ग्रुप मेंबर्स टू, यानी आपने ये कंसिडर करना है कि आपका जो ग्रुप है वो बहुत इफेक्टिवली और बहुत अच्छा ऑपरेट कर रहा है। तो अगर ऐसा है कि बहुत अच्छा ऑपरेट कर रहा है तो उस ग्रुप के जो मेंबर है वो कर क्या रहे हैं, कौन सा बंदा क्या काम कर रहा है। अब वो एक्टिविटी नंबर 2 के अंदर जो है, अच्छा ये एक्टिविटी तब होगी जब आपके पास चार पांच जो भी ग्रुप के मेंबर है वो सारे इकट्ठे हों। तो फर्स्ट ग्रुप के चार ग्रुप के आपके मेंबर हैं, आप वो सारे के सारे इकट्ठे बैठे हैं। अब जो है इकट्ठे अगर नहीं भी बैठे हैं तो भी आप जो है ऑनलाइन जैसे आजकल चल रहा है तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप जो है सबसे पहले अपने ग्रुप के लीडर को सिलेक्ट करें। नंबर 2 पर ये देखें कि अगर वो ग्रुप जो काम कर रहा है उसके अंदर किस बंदे ने इफेक्टिवली काम कब करेगा, कौन से बंदे ने क्या काम करना है, वो आपने उसके अंदर जो है वो देखना है, उन चीजों को डिस्कस करना है। थर्ड नंबर पे डिसएग्रीमेंट रिकॉर्ड करने। जब आपने देखा कि एक इफेक्टिव वे जो है ऑप्टिमल उसी ग्रुप को ऑपरेट करने का, तो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि किस ग्रुप के मेंबर्स ने क्या काम करना है। तो उसके लिए आप डिस्कशन करेंगे सेकंड, उसके अंदर डिस्कशन करने के बाद फिर तो उसमें डेफिनेटली डिसएग्रीमेंट होंगे। एक बंदा ये कहेगा नहीं ऐसा होना चाहिए, दूसरा अलग कहेगा, तीसरा अलग कहेगा, हर बंदा अपने अपने अपनी अपनी सजेशन देगा। तो वो डिसएग्रीमेंट जो है वो उन्हें प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाए और पता चले कि किस बंदे ने क्या डिसएग्रीमेंट किया था और किस पॉइंट के ऊपर डिसएग्रीमेंट किया था। फिर फोर्थ नंबर पर जो है मॉडिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ जनरल कंसेंसस, और वो जो डिसएग्रीमेंट्स हैं उनको मॉडिफाई किया जाए, उन्हें चेंज किया जाए, और जो जनरल कंसेंसस हो सब लोग उसी कंसेंसस की तरफ जो है वो मूव करें, बजाय इसके हर बंदा अपने डिसएग्रीमेंट को लेकर बैठ जाए नहीं मैं तो ये करूंगा। नहीं, जो कंसेंसस होगा फर्स्ट ग्रुप चार ग्रुप के मेंबर है तो उसमें से तीन लोग ये कहते हैं कि जी ये है जो है होना चाहिए तो उसी की तरफ चले जाना चाहिए। तो ज्यादा ग्रुप के मेंबर जिस तरफ हो उस तरफ जो है वो जाना चाहिए और कंसेंसस के साथ कोई भी फैसला हो उसे करना चाहिए। फिफ्थ नंबर पे जो है ये है द सेम प्रोसीजर इज रिपीटेड फॉर द ग्रुप लीडर। जो ग्रुप लीडर है उसके लिए भी यही सेम प्रोसीजर है कि वो भी इसी तरह तमाम चीजें जो है ये ग्रुप के मेंबर्स करें और फिर वो भी सारी एक्टिविटी को दोबारा जो है एक दफा रिपीट करें और फिर ये देखें कि ये जो चीजें हमने की है ये सारी के सारी जो है वो ठीक है उसी तरह ही की गई है। तो ग्रुप लीडर जो है दोबारा उसको उस एक्टिविटी को दोबारा एक दफा वो रिव्यू करें और देखें कि सारी चीजें सही की गई है। तो ये टेक्निक है रोल एनालिसिस की। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरडिपेंडेंसी एक्सरसाइज, यानी इंटरडिपेंडेंसी कैसे पता चलेगा कि कौन कितना एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, क्या वो इंटरडिपेंडेंट है भी या नहीं है। उसके अंदर पहली एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 1 जिसके अंदर ये एक्सरसाइज में, तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये करना है कि पर्सन 1 और पर्सन 2 जो है विल बी सीटेड फेसिंग पर्सन 3 एंड 4, यानी चार लोग होंगे, दो बैठे होंगे साथ और उनका मूड जो होगा वो नंबर 3 और 4 की तरफ होगा। तो ये सबसे पहले तो आपने सामने लोगों को बिठाना है। नंबर 2,
इंटरव्यू ईच अदर अबाउट द इम्पोर्टेंट इंटरडिपेंडेंस बिटवीन योर टास्क. तो आपने एक दूसरे से इंटरव्यू करना है और पूछना है कि भाई आप ये बताएं कि आपके कौन से टास्क हैं जो कि मेरे साथ इंटरडिपेंडेंट है. तो एक दूसरे का इंटरव्यू लेना है, वो बताएगा हाँ जी ये वाला टास्क है जो कि आपके बगैर नहीं हो सकता, दूसरा बोलेगा हाँ जी ये वाला है. तो एक दूसरे के साथ है वो इंटरडिपेंडेंट के जो टास्क है वो. अब क्या करना है जी, आपने व्हाट आर दी इम्पॉर्टेंट इंटरडिपेंड, आपने नोट कर ली ये चीजें कि आपने जब इंटरव्यू किया आपने डिस्कस किया तो ये चीजें आपने उसमें डिस्कस की. व्हाट आर दी इम्पॉर्टेंट इंटरडिपेंडेंसी, के कौन सी इंटरडिपेंडेंसी आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके बगैर आपका काम हो ही नहीं सकता. तो आप एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट. दूसरा, व्हाट्स गोइंग ऑन पर्टिकुलरली, कौन सी चीज जो है जो बहुत ही सबसे अच्छी चल रही है उन ग्रुप के अंदर. थर्ड, व्हाट आर दी पोटेंशियल ऑब्स्टिकल्स, कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो के इंटरडिपेंडेंसी में हायल है, कौन से प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इंटरडिपेंडेंसी जो है प्रॉपरली नहीं हो पा रही है. फोर्थ, एनी एक्शन प्लान टू रिमूव दैट दीज ऑब्स्टिकल्स, तो वो जो प्रॉब्लम्स है जो ऑब्स्टिकल्स है उनको रिमूव करने का कोई पैथ है, कोई तरीका का क्या मौजूद है आपके पास, अवेलेबल है नहीं है, तो उससे रिलेटेड जो है ये काम करना है. तो एनी एक्शन प्लान टू रिमूव दैट्स ऑब्स्टिकल्स. तो ये चार चीजें हैं जब आप इंटरव्यू कर रहे होंगे तो उन इंटरव्यू के दौरान इन चार चीजों को आप डिस्कस करेंगे. उसके बाद हमारे पास इसके अंदर जो थर्ड एक्टिविटी है एक्सरसाइज वो ये है कि पर्सन थ्री और टू एक्सचेंज द सीट्स, रिपीट द सेम प्रोसीजर. तो अब वो सीट जब चेंज एक्सचेंज करेंगे इसका मतलब है जो ग्रुप उनके जो मेंबर होगा सामने वाला वो चेंज हो जाएगा और फिर वो दोबारा सेम उसी एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे जो कि ऊपर हमने की है और उसी के अंदर ये सारी चीज़ों को नोट डाउन करेंगे और फिर देखेंगे ये वो कितना इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर और क्या उनके प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं और उन अगर के ऑब्स्टिकल्स हैं तो उन ऑब्स्टिकल्स को कैसे रिमूव किया जा सकता है. ये एक्सरसाइज फिजिकल क्लास होती है तो ये हम एक्सरसाइजेस करते हैं लेकिन कभी फिजिकल नहीं है क्लास, तो अब ये एक्सरसाइज जो है इंटरडिपेंडेंसी की हम नहीं कर सकते. तो अभी फिलहाल बहरहाल आपको बताना था कि ये इस तरह की एक्सरसाइज होती है जो कि आप कर सकते हैं. देन वी हैव एन अदर एनालिसिस दैट्स कॉल्ड द फोर्थ फीड एनालिसिस. इसमें ये होता है कि सबसे पहले डिसाइड अपॉन अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, आप देखेंगे सबसे पहले कि प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन कौन सी है, उस प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन को सामने रखें और फिर जो है वो आप मतलब ये एक प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सामने रखें और फिर फर्दर जो है वो चीज़ों के ऊपर काम करें जिसके डिस्क्राइब द डिजायर्ड कंडीशन और बताएं कि ये प्रॉब्लम है, आप बताएं कि आप डिजायर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए, मतलब आप क्या चाहते हैं कि इसको अगर आप प्रॉब्लम समझते हैं तो अच्छी चीज़ क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या होगी, तो वो जो है इम्पॉर्टेंट है उसको हमने देखना है. तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो फॉर एग्जाम्पल कि आपकी कंपनी यहाँ नहीं यहाँ होनी चाहिए थी, तो वो बताएं कि डिज़ायर जो आपकी स्टेट है या कंडीशन है वो आप क्या चाहते हैं. नंबर थ्री, आइडेंटिफाई द करंट फोर्स एंड द फैक्टर्स, तो जो करंट फोर्सेस हैं जो फैक्टर्स हैं जो कि उस प्रॉब्लम उस कंडीशन के ऊपर इफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उन फोर्सेस को और उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करें. एग्जामिन द फोर्सेस कि कितनी पावरफुल फोर्सेस है और उन फोर्सेस की क्या स्ट्रेंथ है जो कि इतना इम्पैक्ट कर रही है उस प्रॉब्लम को इंक्रीज कर रही है बढ़ा रही है. फिर आपने स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करनी है, वो स्ट्रेटेजी किस लिए फॉर्मुलेट करनी है ताकि उन फैक्टर्स को उन फोर्सेस को रिमूव किया जा सके और उन प्रॉब्लम को सही किया जा सके ताकि जो डिजायर्ड स्टेट हमें चाहिए उन्हें अचीव किया जा सके. जब आप फॉर्मुलेट करेंगे स्ट्रेटेजी फिर देन यू शुड इम्प्लीमेंट दैट स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी. तो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन का व्हाट एक्शन मस्ट बी टेकन फॉर द डिजायर्ड कंडीशन इम्प्लीमेंट दोज एक्शंस. तो आपने इन चीज़ों को सामने रखकर आपने ये देखना है कि भाई कौन सी डिजायर आपकी जो है वो कंडीशन है और उसके लिए कौन से एक्शन आपको लेने हैं और वो एक्शंस को कैसे आपने इम्प्लीमेंट करना है. ये सारी चीजें जो है वो फोर्स फील्ड एनालिसिस के पास है पार्ट है. तो ये भी एक एनालिसिस की टेक्निक है जिसके थ्रू आप किसी भी प्रॉब्लम को डायग्नोस कर सकते हैं और फिर उन प्रॉब्लम के डिजायर्ड जो स्टेट है जो कि आप चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए वो तो उस तक पहुँच सकते हैं. तो ये हमारा आज का लेक्चर जो है वो एंड होता है और इसके साथ साथ ये एक छोटी सी कोट है आइंस्टाइन की के इस के अंदर जो है
anyone who has never made a mistake has never tried anything. यानी ये कहता है कि अगर किसी शख्स वो कोई शख्स ऐसा है जो ये कहता है कि मैंने आज तक कोई मिस्टेक नहीं की है, तो इसका मतलब यह है कि उस शख्स ने कोई नई चीज करने की कोशिश भी नहीं की होगी, कोई नई चीज ट्राई भी नहीं की होगी। अगर कोई चीज नई ट्राई भी नहीं की है, कोशिश भी नहीं की है, तो इसका मतलब है इनोवेशन, क्रिएटिविटी, इन सारी चीजों से वो बहुत हद तक दूर है। तो हम जो है आज इस कोड के साथ अपने लेक्चर एंड करते हैं, अटेंडेंस लेते हैं, उसके बाद मैंने क्विज अपलोड कर दिया है आपके LMS के ऊपर, आपने उस क्विज को अटेम्प्ट करना है। आज मैंने टाइम दिया है उसका, जो लोग अभी करना चाहें वो अभी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे नज़दीक ये मैं 30 मिनट्स आपको दे रहा हूँ। इस 30 मिनट्स के अंदर आपने उस क्विज को अटेम्प्ट करके उस पर अपलोड करना है। तो ये 30 मिनट्स हमारी क्लास के क्विज के लिए, अटेंडेंस के बाद आप लोग इस सेशन को छोड़कर अपने क्विज को अटेम्प्ट करेंगे और उसको जो है अपलोड करेंगे ऑफिशियली। अटेंडेंस के बाद आज की क्लास जो है जो कि होनी है 9 बजे तक, ये आधा घंटा जो आपको दे रहे हैं, ये आधा घंटा जो है आपको क्विज को आपने अटेम्प्ट करना है और उस क्विज को अपलोड करना है इस आधे घंटे के अंदर। तो अब मैं अटेंडेंस की तरफ जो है आगे बढ़ूंगा और फिर